रायपुर से बड़ी खबर, संजय पांडे आत्महत्या मामले के अंदर एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना दिया गया। धरने में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। जिस तरीके से जयपुर के अंदर दो आत्महत्याएं हुई और दोनों के ऊपर अब सियासत गर्माती हुई, एक तरफ रामप्रसाद मीणा जिनके लिए मोर्चा खोला हुआ है किरोड़ी लाल मीणा ने, और दूसरी तरफ ये आत्महत्या, इससे पहले भी एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि क्यों आत्महत्या की गई है। दरअसल जहां ये काम करता था वहां सैलरी इसको नहीं दी गई, 70,000 के आसपास बकाया, और इसमें भी जो नाम सामने आया था उसमें कांग्रेस के नेता का नाम था। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्य, जरा बताइए, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, बीजेपी से यहां नेता प्रतिपक्ष पहुंचे हैं, क्या कुछ डिमांड यहां की जा रही है? देखिए, अभी हम एसएमएस मुर्दा घर के बाहर हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, विभिन्न समाजों के लोगों के द्वारा और ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा नियमित तौर पर धरना दिया जा रहा है। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ खुद यहाँ पर एसएमएस अस्पताल पहुँचे हैं, अपने चूरू दौरे के बाद आए हैं, और उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। सबसे पहले हम नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हैं कि वो इस पूरे मामले में क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के मामले रेगुलर देखे जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। और बड़ी बात तो यह है कि एक खत्म होता है मामला, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, लेकिन ये जो इशू है इसे यहाँ पर उठाना, एक इशू दूसरी तरफ, एक तीसरी तरफ, ये इशू क्यों सबसे डिफरेंट है? देखिए, सरकार की नाइंसाफी इसका महज कारण है। तुष्टिकरण की नीति और हर मामले में वोट की फसल काटने की चाहत ने आज राजस्थान को बर्बादी के कागार पर लाके खड़ा कर दिया। संजय पांडे जिस हालात के अंदर उनको मौत को गले लगाना पड़ा, ये सरकार के माथे पर कलंक है। उन्होंने अपने मरने से पहले जो वीडियो जाहिर किया उसमें साफ आरोपित किया, और आरोपित लोगों से पूछताछ नहीं करना। सरकार को चाहिए कि गौ तस्करी की सरपरस्ती कौन कौन लोग कब कब से कर रहे हैं, और दोहरे मापदंड। आज सरकार भरतपुर के मामले में दूसरे मापदंड को अपनाती है, यहाँ संजय पांडे के मामले में वार्ता करने को तैयार नहीं। उधर रामप्रसाद का पार्थिव शरीर पड़ा है, सरेआम अतिक्रमण हो रहा है, सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अब इस सरकार के नुमाइंदों से लोग इतने प्रताड़ित हो गए कि अलग अलग जगह पर कभी कोई किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, तो कभी कोई विद्यार्थी पेपर लीक होने के कारण आत्महत्या करता है। ये सरकार अब लोगों के आत्महत्या का कारक बनती जा रही है। इस प्रकार का कलंक इस सरकार के माथे पर। साहब, आप नेता प्रतिपक्ष हैं अब, तो अब इस तरीके के मामलों को उठाकर क्या प्रदेश के टूर पर जाएंगे? बाड़मेर के मुद्दे हैं या अन्य जगहों के मुद्दे, ऐसे मुद्दे उठाएंगे आप? निश्चित तौर पर हम सरकार के चेहरे पर ही जो जन कल्याण का नकाब ओढ़े हुए हैं, कभी महंगाई विरोध के कैंप लगाने की बात करती है, कभी थोती घोषणाएं करते हैं, हम नकाब खींचने का काम करेंगे। सरकार का विभिन्न चेहरा जो सामने है उसको जनता के सामने लाकर खड़ा करेंगे। और जिस प्रकार अन्याय की प्रकाष्ठा तब हो जाती है जब सरकार चलाने वाले लोगों पर सीधे 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 आरोप लगते हैं, और आरोप के साथ वो लोग जो आज कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण करने लग गए, जो भगवान राम का नाम, राम और हिंदुत्व की बात करने लग गए, उनके सामने गौ हत्या और गौ तस्करी से व्यथित होकर एक नौजवान अपनी जान दे देता है, और उसके बाद भी सरकार मौन रहती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आदर्श नगर में, आप विधायक रहे हैं, तो ऐसे में क्या इस इलाके में इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं शब्बीर पर, जिस तरीके के आरोप लगे हैं कि गौ तस्करी जैसी घटनाएं होती हैं, इससे पहले आप लोगों ने ये मामले क्यों नहीं उठाए? अचानक से ये मामला क्यों उठाया? देखिए, मामला जब आएगा तभी उठेगा, उससे पहले तो किसी को पता भी नहीं कि मुर्गी खाने में इस प्रकार की गतिविधि चल रही है। मुर्गी खाने की बेशकीमती जमीन है, करोड़ों रुपए की जमीन है, वहां पर मुर्गियां एक भी दिखाई नहीं देती, ये बड़ा प्रकरण आपने उठाया? हमने तो अपने टाइम पे भी इस प्रकरण उठाया था, और हमने कब्जा भी लिया था जेडीए के माध्यम से, परंतु इस सरकार ने उसमें आगे बढ़कर के कोई काम नहीं किया। ये हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में भी ये सरकार पैरवी नहीं कर रही। इतनी बेश कीमती जमीन है जो मुर्गी खाना है, वहाँ पे मुर्गी का पालन नहीं हो रहा और वहाँ पे अवैध काम हो रहे हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हाई कोर्ट में सही ढंग से पैरवी करे, और पैरवी करके वहाँ पे जितने भी ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं उनको बंद करे।
इस तरीके की आगरा रोड में कई ऐसे इलाके हैं, मुर्गी फार्म वाला इलाका है या कैम्बे के आसपास के इलाके हैं जो अपराधी जहां पर खुलेआम घूमते हैं, चरसी नशेड़ी वहां देखे जाते हैं, ये मामला उठाएंगे आप? देखिए, जब थाने में SHO विधायक के माध्यम से लगेगा और वो कब हटेगा ये भी विधायक के माध्यम से तय होगा, तो आप थानों से सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते। सारा का सारा केंद्रीयकरण विधायक के ऊपर हो गया। विधायक चाहे तो वहाँ पे गुंडागर्दी करवाए, विधायक चाहे तो वहाँ गो तस्करी करवाए, विधायक चाहे तो वहाँ पे जमीनों पे कब्जा कराए। कुल मिलाकर कहा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा है गौ तस्करी का, सबसे बड़ा मुद्दा है जो आगरा रोड पर बेशकीमती जमीन है, मुर्गी खाने की जमीन, उस पर जिस तरीके से अपराध देखे जा सकते हैं, जैसा आरोप इन्होंने लगाया है कि वहाँ पर तस्करी के धंधे हो रहे हैं। और इससे पहले ये पूरा मामला है सामने, जब संजय पांडे ने आत्महत्या की तो उसके बाद ये मामला सामने आया है। बहरहाल सियासत में तमाम चीज़ें होती हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलते हैं, लेकिन निराकरण किस हद तक और कितना होगा ये वक्त बताएगा। ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।